श्री गोरखनाथ मंदिर व श्री रामकथा प्रेम यज्ञ समिति के तत्वाधान में 9 दिनों तक चलने वाली श्री रामकथा का मुख्य विषय मानस योगी रखा गया है। इसी विषय को केंद्र में रखकर कथा के पहले दिन मुरारी बापू ने कहा कि माँ पार्वती कहती हैं, हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवग अकाम अभोगी, अर्थात मेरे जानने में शिव परम योगी हैं, योगी जिसे तुलसीदास ने मानस में जोगी कहा है। उस जोगी की यह विशेषता है कि जोगी अज है, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता है। भगवान शिव परम योगी हैं, अर्थात सबसे बड़े जोगी हैं। जोगी आनंदनीय हैं, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है। जोगी अकाम है, उन्हें सांस्कारिक वस्तुओं की कोई कामना नहीं है। मुरारी बापू ने नाथ परंपरा के साथ सभी संतों को नमन करते हुए कहा कि आज मैं परम पूज्य योगी जी महाराज का आशीर्वाद लेकर श्री राम कथा आरंभ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कभी कभी अच्छा कार्य होने में 30 वर्ष का तो कभी 70 वर्षों का समय बीत जाता है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सीएम योगी के शासन काल में मुझे भगवान गोरखनाथ की धरती पर 30 वर्षों बाद श्री राम कथा कहने का अवसर मिला। बापू ने कहा, जब मैं अखबारों में सीएम योगी के निर्भीक निर्णय को देखता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1 घंटे तक रुके और बापू के कथा का श्रवण करते रहे। नाम सुनावे नास
जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, भय पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस पर कीर जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। कोट देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुनिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, सूते बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होइ सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसी दास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप सियावर, राम चंद्र प्रिय हो राधावर कृष्ण। जय श्री राम। राम बाबू, आज का दिन इतना प्रसिद्ध दिन है कि आज कई वर्षों से जहां गोरखपुर इंतजार कर रहा था इस पावन क्षण को, आज बापू के आगमन से यह गोरखपुर धन्य हो गया। मेरी हृदय से प्रसन्नता और खुशी आज इतनी है कि बापू गोरखपुर की पावन धरती पर, जहाँ गोरखनाथ जी महाराज की महान तपस्थली पर बापू का आगमन हुआ, और आज सभी लोग बापू के सानिध्य में गोरखनाथ की धरती पर बैठे हैं। मैं ज़्यादा बोलता नहीं, बापू के सामने पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अनुरोध करूँगा किशन लाला जी से कि वो आए और अपनी बात बापू के सामने। जय Right.
Thank you.
आपका भी बहुत स्नेहालय प्राप्त है और आप हमारे परम पूज्य विशेष प्रसन्नता है कि आज हमारे देश में दो बाबा का शासन चल रहा है। शासन क्या सेवा चल रही है। प्रमाण के साथ कहना चाहूंगा कि सालों में 5-7 साल गुजरात में मेरा एक मनोरथ शुभन महात्मा गांधी बापू के बारे में दो तीन कथाएं गाऊं। इसमें एक कथा मैंने दांडी पद यात्रा में मानस महात्मा नाम से मानस को केंद्र में रखते हुए गाय, दूसरी साबरमती आश्रम अहमदाबाद। हमारे गुजरात का एक बहुत विख्यात दैनिक पत्र गुजरात समाचार के द्वारा आयोजन था, तब हमारे अब के आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहेब वहाँ CM एक दिन वो कदा में पधारे, जैसे आज भगवान बैठे हैं वैसे वो बैठे थे। गुजरात समाचार के तंत्री महोदय बैठे और कई लोग विशेष व्यक्ति बैठे, पर कथा के प्रवाह में मैंने स्वागत को कि मैं यदि भी दूरस्थ था लेकिन बाबा पूर्व जन्म वैष्णव साधु के पूर्व हमें आज भी लोग गाँव में बाबा कहते हैं, बाबा जी कहते हैं। तो मैंने कथा के साथ प्रवाह में कह दिया कि मैं तो बाबा हमारे प्रधानमंत्री साहब और उस समय के CM साहब तुरंत मेरे सामने देखकर आपको पकड़ के बात मैं भी बाबा और वो इस बार दूसरी बार सेवा के लिए राष्ट्र के सदभाग्य से आए। प्रथम सेवक के रूप में कल आपने कहा कि मैं तो एक फकीर हूँ, तो एक बाबा की छाया में तो देश विश्व में प्रतिष्ठा पा रहा है, एक दूसरा बाबा निर्भीकता से किसी व्यक्ति का कोई प्रशंसा करने की कोई उपक्रम नहीं है। मैंने मेरी जवान राम चरित मानस को दे दी, लेकिन एक निर्भीक साधु उत्तर प्रदेश में निर्भीकता से सेवा जो भी एक बाबा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है भगवान कि आपके समय में एक राजा योगी 20 साल बीत गई और कई साल बीतने के बाद कभी कभी अच्छे दिन आते हैं। 20 साल तो भगवान पूछ रहे, कभी कभी 70 साल बीत जाते हैं। और ये योग होना था कि हमारे समाज के साधु समाज का एक गर्व, और मेरे साथ मैं समझता हूँ मेरे साथ तो आपका विशेष आदर है। जब जब कोई अच्छी बात अखबार में पढ़ता हूँ आपकी निर्भीकता के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, कुछ भी ऐसी कैसी सोचे बिना जो आप निर्णय लिए जा रहे हैं, और फतवा बाबा हमारे विश्वनाथ से के प्रतिनिधि के रूप में मैं डूबता हूँ बाबा जी काम बात हो करा दो बात करा दो। तब मैं ज़्यादा समय नहीं ले पाती, मुझे समझिए कि आपको अपनी निजी साधना और राष्ट्र साधना दोनों साथ का जरूरत ले पाता हूँ, मुझे ज़्यादा समय भी नहीं कभी हूँ। एक आध मिनट बात कर लूँ बड़ी प्रसन्नता और प्रणाम करना और आशीर्वाद देने के लिए, तब आपका जो
आधुनिक का जो कौन होता है उसको मैं समझता कि मेरी व्यास के प्रति आपका विशेष आदर है और ये मानस के अनुकूल है, क्योंकि मानस में लिखा है बड़े स्नेह लघुतर है, बड़े होते हैं तो छोटे पर स्नेह करना इसका स्वभाव होता है, कर्तव्य स्वभाव। जैसे पहाड़ कितने बड़े लेकिन नाती तीन के बहुत में सिर पर बैठे घास देखते पर कितना वहां सिंधु लेकिन दाग को फैन को अपने कर्म दो कर रखते इस न्याय से। आप साधु है साधु वेश में है, हम तो सफेद वेश में है, आप योगी है हम योगी हैं, तो आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं जानता हूँ कि वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश बिहार आदि आदि प्रांतों में बहुत ऐसा हुआ है, आपको कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ता होगा, यदि आपकी कथा है आपकी छाया में कथा है पूरी नवनाथ की छाया में कथा, और इसलिए आप दौड़ कर आए आशीर्वाद दिया, हम ज़्यादा आनंदित हुए हैं, कोई बाध्यता नहीं है, बीच में अनुकूल हो आया जाए ना आ जाए आया जाए, आपको ये जानने लगे कि हमारी संस्था की ओर से कथा अब जरा हमारी हो गई है, आपकी कथा हमारी हो गई है, तो आप आए। और मैंने बाबा सतवा महाराज को कहा था कि जरा भी संकोच न रखे, जैसे ही आपका कार्य समय हो ऐसे आप जरूर निसंकोच हम आशीर्वाद इस पर बिना ले सकते। लेकिन एक बात पर हमें आज प्रसन्नता बहुत, और आपको दो तीन दिन पहले ही बात हमारी हुई थी बारिश की भी, अब तो शांत है, बाकी उसको भी तो करना है करें अलावा वो तो करना, वो अपनी जगह हम अपनी जगह, तो अमीर है तो क्या है मैं गरीब हूँ तो क्या है, तो अमीर है इंदिरा तो क्या है मैं गरीब हूँ तो क्या है, तेरा मैं बन रहा है मेरी झोंपड़ी के पीछे इंद्र ने मेरी कृपा की है, और आप मेरे यजमान को निमित मात्र हमारे भाई जी दीन दयाल थे, वो कथा प्रेमी सबको भोजन कराने का उसका स्वभाव उसकी परंपरा में आए कि जालान परिवार कथा के सेवा के लिए लालायित रहते इसका मैं साक्षी हूँ। फिर आपने हमें समझा दो तीन दिन पहले क्या परिस्थिति थी इसमें आप ले रहे हैं बाबा के आशीर्वाद से, आज से हम मंगलाचरण कर रहे हैं, वो हमारी नाथ परंपरा भगवान ने एक बार सुनाथ द्वारा मानस नवनाथ पर बोल चुके मानस नवनाथ, और मुझे इसीलिए भी सब साधुओं में है, लेकिन नाथ परंपरा के प्रति उसका एक मेरे दूध का मेरी माँ के दूध का मेरी माँ ऐसा उसको पता नहीं था, वो तो हम पर क्या, लेकिन वो मुझे एक शब्द कहते कि बेटा बड़ों का कभी आदेश मत करो, तब से मेरे खून में आदेश शब्द नाथ परंपरा का जो आदेश शब्द है आदेश हुक्म में आध्यात्मिक शब्द, हुक्म तो सत्ता का शब्द है, हुक्म के आधार समाज की सुव्यवस्था के लिए आर्डर के आदेश अध्यात्मिक शब्द आदेश तो उपनिषद शब्द देश आदेश देश उपदेश उपनिषद बिल्कुल सत्य अध्यात्म शब्द आदेश मेरे बचपन में मेरे धर्म में आया है शब्द है। मेरी इच्छा थी एक बार अवधूत योगीराज गोरखनाथ भगवान को केंद्र में रखते हुए
मानस में योगियों के क्या लक्षण है, योगी किसको कहते हैं। जैसे भी गोस्वामी जी योगी को योगी लिखते हैं अपनी बोली में, उसकी क्या रीत है वो भगवान गोरखनाथ में देखता हूँ। इसलिए मैं इस कथा का केंद्रीय सब्जेक्ट रखता हूँ मानस योगी। गोरखनाथ जैसे महाजोगी को योगी राज है, मानस का एक शब्द योगिंद्रम ज्ञान रम्यम योगिंद्र गोरखनाथ की परिक्रमा करने के लिए आया हूँ, उसको समझने के लिए आया हूँ, भीतरी विकास और विश्राम के लिए आया हूँ। इस नगरी में राधा बाबा को भी याद करूं कि आप मुझे कथा कहते रहते थे, कथा कथा गीता प्रेस जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है भारतीय सद ग्रंथों को विश्व में पहुँचा के भाई जी और सब जो गोयंका जी थे। लेकिन मैं सोचता रहता कि मैं क्यों गोरखपुर में नहीं जा पा रहा, इतनी साल बीते तीन चार साल तो स्वाभाविक होता है, लेकिन 20 साल आपके कार्यकाल में होगी कि अस्तित्व का ही कुछ वो होगा। इसलिए मैं परम पूज्य हमारे महाराज योगी जी का आशीर्वाद लेकर मानुष योगी कथा कहेंगे। पार्वती के शब्दों से मैं शुरू कर रहा, पार्वती की ये पंक्ति जो चौपाई मैंने के लिए चुनी है मां नौ दिन के लिए मानस जोगी, उसकी भूमिका में पार्वती कहते हैं कि हमने जाने पार्वती के दुर्गा के दिन है आदि शक्ति और परम ऊर्जा की साधना के लिए। वो पार्वती कहती हैं कि हमारे जान सदा शिव जोगी अज अनवत्य अकाम अभू। कितनी बार जोगी शब्द की आवृत्ति मानस में, कितनी बार नाथ शब्द की आवृत्ति गोस्वामी जी ने मानस में की है, उसी को केंद्र में रखते हुए हम नव दिन श्री राम कथा का गायन करेंगे। तो जो दो पंक्तियां व्यास पीठ ने चुनी है मानस जोगी के लिए, उसका फिर एक बार मैं गायन करूं। जो निरंतर मानस का पाठ करते हैं पर आज नवरात्रि में तो पूरे समाज में इत्र तत्र सात जगह मानस का पारायण हो रहा है, ऐसे समय में पंक्तियों का फिर एक बार गायन कर ले ताकि आपके मन में रूढ़ी अब बैठ। प्लीज